सुधांशु त्रिवेदी, क्या दलित आरक्षण को लेकर जामिया और एएमयू में सब कुछ जानते हुए भी आपके नेता भी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं केवल? और अगर नहीं है ऐसा तो फिर सीधे सीधे तौर पर संसदीय प्रक्रिया से वो व्यवस्था क्यों नहीं कर देते आप लोग? देखिए, दो तीन बातें बहुत स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। एक, भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि कोई भी सरकारी संस्थान या अर्ध सरकारी संस्थान में एससी एसटी और ओबीसी तीनों को संविधान सम्मत आरक्षण मिलना होगा, और जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक विशुद्ध रूप से सरकारी संस्थान है, गवर्नमेंट के सेंटर पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा संचालित हैं, और इस विषय पे कोर्ट के कई निर्णय हैं। और 1960 के दशक तक में, जैसा कि अभी ब्रजलाल जी ने बताया, करीम भाई छांगला भी इस बात को पार्लियामेंट में यानी संसद के पटल पर बोल चुके हैं। और उसके बाद आरक्षण न देकर एक ऐसा आरक्षण देना, मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूं, संविधान में तो मजहबी आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है, एक नहीं अनेक अवसरों पर कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया है। तो पहले संविधान सम्मत आरक्षण न देना और जो संविधान के अनुसार नहीं है वह आरक्षण देना, ये दोनों बातें कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि यहां पर एक षड्यंत्र है एससी एसटी के अगेंस्ट में, हम कोई रोटी नहीं सेक रहे। और ज्यादा यह बात जानते कब और गंभीर लगने लगती है रोहित जी, जब मुस्लिम समाज अपनी जातियों को एससी एसटी और ओबीसी में रिजर्वेशन मांगता है और अवेल भी करता है। 3.5% जातियां सीटें ओबीसी में मुस्लिम समाज के ओबीसी को प्राप्त है, यानी बहुत आश्चर्यजनक बात है कि वही समाज जो कि अपने अंदर उसी जातिगत व्यवस्था के आरक्षण को मानता भी है और उसका लाभ भी लेता अन्य सरकारी संस्थानों में, मगर वो संस्था जो कि तकनीकी दृष्टि से सरकारी है, व्यवहारिक दृष्टि से उनकी है, उसमें वो प्रावधान देने को तैयार नहीं है। यह अपने आप में कहीं न कहीं मैं कहूंगा उनकी ईमानदारी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। और जो हमारा प्रश्न था, अरे रिजर्वेशन इन प्रमोशन सपा की सरकार ने खत्म किया था, लागू तो हमने किया ना। और दूसरी बात, दलितों में आरक्षण, दलितों में काम करने की बात आती है तो बताइए ना, शेड्यूल ट्राइब का काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन है पूरे भारत का? सबसे बड़ा संगठन वनवासी कल्याण आश्रम है जो आरएसएस का संगठन है। बताइए कोई संगठन जो दलितों और आदिवासियों के बीच में काम करता हो। यहाँ पे नेतागिरी के लिए भाषण करने के लिए तमाम राजनीतिक दल खड़े, कौन काम करता समर्पित होकर ट्राइबल एरियाज में जाकर? दलित साथियों में सबसे ज्यादा काम सेवा भारती कल्याण आश्रम एकल विद्यालय को भी स्वीकार। बट मुझे केवल ये बता दीजिए आप एक सवाल का जवाब कि संसदीय प्रक्रिया से वो रास्ता क्यों नहीं खोलते? दो, अगर संसद के जरिए एक गलत व्यवस्था की गई धार्मिक तौर पर आरक्षण देने की, तो आपने संसद के जरिए ही उसे वापस छीन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं स्क्रैप करवा दिया आपने उसे? बिल्कुल रोहित जी, आपने बहुत सही बात कही। इसका जो आपने बात कही, इसके दो पक्ष हैं, एक तकनीकी वैधानिक पक्ष है। तकनीकी वैधानिक पक्ष के ऊपर सरकार प्रक्रिया कर रही है, और 2 साल पहले ही यह विषय उठा था एवीयू में आरक्षण का विषय, आपको ध्यान हो जब स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर थी और उसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। तकनीकी ढंग से सरकार अपना काम कर रही है और वह तकनीकी व्यवस्था और समय के अनुसार होगा। पर दूसरा पक्ष इसका सैद्धांतिक और राजनीतिक है। मैं तो अपने मित्रों से जो यहां बैठे हैं उनसे सैद्धांतिक और राजनीतिक उत्तर चाह रहा हूं भाई, क्या आप संविधान सम्मत आरक्षण देने को तैयार नहीं हो? जो संविधान विरोधी वो आरक्षण दे रहे हैं और स्वयं दूसरी जगह वो आरक्षण ले रहे हैं।